फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज घर में हो रही है बहुत ही ज़्यादा चहल पहल और जाने की तैयारी, क्योंकि आज जा रही हैं भाभी वापस अपने घर। और उधर अंकल जी की थोड़ा तबीयत खराब थी, तो भाभी को थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है, वरना वो हम लोगों के साथ ही जाती हैं वापस। जब मैं जाती तभी वो मेरे साथ ही वापस जाती हैं। तो भाभी को जो छोड़ने का काम है रेलवे स्टेशन तक, वो हम लोग करेंगे यार, क्योंकि भैया आज बहुत ज़्यादा बिजी है, ऑफिस में है, उनको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है कि आज वो उनको छोड़ने के लिए जा पाएंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं उनको छोड़ने के लिए, और हम लोग जा रहे हैं सियालदह रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर हो गई सारी पैकिंग, सारी तैयारी हो चुकी है, और रात में ही सारी तैयारी कम्प्लीट हुई थी, और भाभी भी तैयार हो चुकी है, बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं आगे आपको कि क्या क्या हो रहा है। वाह, ये किसने लगाया? भाभी ने लगाया। दिखाओ, अच्छे से दिखाओ। बहुत प्यारा लग रहा है। भैया क्या कर रहा है? भैया आपने नहाया तो है नहीं, चलो नहा लो चल के। भाभी भी हो चुकी है रेडी, भाभी जा रही हो। ये मैंने बनाया टीम, ये आपने बनाया है? सब यहाँ पर वेट कर रहे हैं कैब का, और विनी डुग्गू भी देखिए आ गए हैं। तुम लोगों की मस्ती कहाँ चल रही भाई? हेलो। अब भाभी ले रही है पिक सभी की। और अभी कैब आने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए भाभी और बच्चे सब लोग बैठ गए हैं कैब में, और हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। ये देखिए भाभी कितनी चुपचाप बैठी हुई है, सोच रही है कुछ। देखिए यहाँ पे लोग परेशान कर रही है वंशिका को, और कैसी पिटाई लग रही बेचारे की है। मैं लग रही हूँ छूना मत। सामने है सियालदह रेलवे स्टेशन, और हम लोग पहुंचने ही वाले हैं बस। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन, और दादा कर लिए हैं और सामान ले जाने के लिए, तो इन लोगों को हम ट्रेन में अभी छोड़ कर आते हैं। यहाँ पर हमें अंशिका हो गई है बहुत ही ज्यादा सैड। अंशिका बोलते नहीं है, फिर आ जाना बुआ के पास, है ना? हैप्पी, खुश होके दिखाओ। अच्छा। तो रास्ते में इतना ट्रैफिक मिला था हम लोगों को कि हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचने में लेट हो गए थे। बस 10 मिनट का टाइम है ट्रेन जाने में, तो जल्दी जल्दी से भाभी को बिठा देते हैं। तेरह 14:16 यहाँ से एंट्री करो। चलो भैया रखवाइए अनवा। तो फ्रेंड, भाभी की ट्रेन तो जा चुकी है, ये देखिए, और अब हम लोग भी चल रहे हैं वापस घर।
सो फ्रेंड्स, हम लोग बैठ लिए हैं कैब में और वापस जा रहे हैं घर। भाभी और बच्चे सब ट्रेन में जा चुके हैं और सब वहाँ पर खा पी रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। ये देखिए प्रीति, ये भी अपनी पेट पूजा के लिए कुछ निकाल रही है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे सीधे घर पे। पर बच्चों, सैलून में अंदर मेरे बाल से आपके बाल बहुत गंदे होंगे, थोड़ा बनाने के लिए शैम्पू शैम्पू पहले के पास। आज जितने भी एक्सपेरिमेंट है ना, डुगू पे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी अभी घर पर आए हैं और यहाँ पर विनय ने अपना सलून ओपन कर रखा है और पहला जो कस्टमर है ना वो डुगू है। डुगू का हेयर ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर और विनय देखिए अच्छे से हेयर ट्रीटमेंट दे रही है। तो भाभी और बच्चों के जाने के बाद घर में बहुत ही ज़्यादा खाली खाली लग रहा था, तो बस बच्चे ये गेम खेल रहे थे तो उन्हें ही देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा, तो बहुत ही हंसी आ रही थी ये सब देखकर। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी, मिलती हूँ आपसे अगले एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, हो गया मेकअप। हाँ जाइए।